अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद उमेर खान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो पीआईए का हेटेड आईडी है उसके अंदर आप लोग किस तरह पीआईए का जो टिकट है उसको रिफंड कर सकते हो, उसके ऊपर कितनी चार्जेज आएगी, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। वेलकम बैक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग ट्रैवल एजेंसी का कारोबार स्टार्ट करना चाहते हो या आप लोगों को फ्यूचर में कोई भी ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रैवल एजेंसी के रिलेटेड हो, तो आप लोगों ने ओशन ऑफ नॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आना है। ये आप लोग देख सकते हो, यही मेरा चैनल है। इस पर आकर आप लोगों ने क्या करना है, नीचे आकर ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों को पी आई का जो हेटेड आईडी है जो कि ट्रैवल एजेंट वालों को मिलती है, जो ट्रैवल एजेंसी का कारोबार करते हैं उसको ये आईडी मिलती है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कोर्स बनाई है और इंशाल्लाह फ्यूचर में यहाँ पे और भी वीडियोस में अपलोड करूँगा। तो आप लोगों ने ये ज़रूर यहाँ से वॉच करना है। उसके बाद अगर आप लोग टिकटिंग सिस्टम सेबर सीखना चाहते हो तो ये कोर्स आप लोग वॉच कर सकते हो। अगर आप लोग ट्रैवल एजेंसी का जो और चीज़ें हैं वो सीखना चाहते हो, जो कि ट्रैवल एजेंट हो एंड ट्रैवल एजेंसी का कंप्लीट कोर्स है, तो यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। ये तीन प्लेलिस्ट आप लोगों ने ज़रूर वॉच करनी है और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन तीनों को आप लोगों ने मेरे इस चैनल पे आकर ऑनलाइन वॉच करना है और प्लीज़ इसको डाउनलोड ना करें ताकि मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है। यहाँ पे तकरीबन 70-80 वीडियोस मैंने अपलोड की, अपनी सारी एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ इन सारों वीडियोज़ को आप लोगों ने ऑनलाइन वॉच करनी है, डाउनलोड नहीं करनी है, ठीक है, यही रिक्वेस्ट करूँगा बस। तो क्या करना है आप लोगों ने, ये देखिए पीआईए का जो ऑनलाइन हेटेड आईडी है आप लोगों के पास भी ये होनी चाहिए, ठीक है, और ये आप लोगों को आयाटा वाले वगैरह देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों के पास पीएनआर का होना ज़रूरी है। पीएनआर नंबर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जिससे हम टिकट को डिस्प्ले करते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ रिज़र्वेशन पे क्लिक कर देना है और पीएनआर मैनेजमेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना पीएनआर नंबर डालना होगा, जो कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सर्च पर क्लिक करूँगा। सर्च पर क्लिक करने के बाद ये देखिए आप लोगों के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन शो होगा, जो कि आप लोगों का पीएनआर नंबर यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये टिकटेड पीएनआर है, मतलब इस के ऊपर पेमेंट हो गई है और ये बिल्कुल ठीक टिकट है। उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर का नेम शो हो रहा है और यहाँ से पिशावर से फजीरा का ये फ्लाइट है और 26/5/2020 का है, ठीक है, 2022 सॉरी इसका है, ठीक है। तो आज 14 डेट है और ये 26 डेट का है। तो अगर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीक पहले कैंसिल करते हैं तो इसके ऊपर और चार्जेस आएगी। अगर ये हम 48 आवर के अंदर कैंसिल करते हैं तो इसके ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस हो सकती है। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल पैसेंजर आया, वो कहता है कि मुझे इस टिकट को कैंसिल करना है, मुझे नहीं जाना है, या दो बातें कहेंगे कि मुझे इस टिकट को किसी और डेट में एक्सचेंज करना है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो है कि हम किस तरह इसको रिफ़ंड कर सकते हैं, मतलब वो कहता है मुझे नहीं जाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, नीचे आकर आप लोगों ने इसकी चार्जेस मालूम करने और इसके बाद पैसेंजर को कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले रीज़न में लिखना है नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब मुझे नहीं चाहिए। आप इस तरह कोई भी मैसेज यहाँ पे लिख सकते हो, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोगों ने लिखना होगा। उसके बाद ये जो बटन है ये है चेंज फ्लाइट, यहाँ से हम फ्लाइट चेंज कर सकते हैं, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, ठीक है। ऑल फ्लाइट कैंसिल थे, हम क्या करते हैं कि फ्लाइट को कैंसिल करते हैं, तो मैं क्या करूँगा इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्टली कैंसिल नहीं होगा, वरना आप लोगों का मतलब आपको पता नहीं चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये जब मैंने क्लिक किया तो ये देखिए आपके सामने इस तरह आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये पेशावर का जो राउट्स है, पेशावर से पजीरे का फ़्लाइट है, उसके बाद जो पीआईए का फ़्लाइट है, फ़्लाइट नंबर यहाँ पे शो होगा, क्लास यहाँ पे शो होगा, डेट्स जो भी डेट्स है ना वो डेट्स आपको शो होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिफार्चर टाइम आपको शो होगा और यहाँ पे स्टेटस एक्स एक्स है, मतलब ये है कि ये जो टिकट है अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, जब यूज़ हो जाएगा तो यहाँ पे आपको यूज्ड स्टेटस दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद तो ये देखिए रिफंडेबल फेयर, तो सबसे पहले इसके ऊपर आता हूँ, लेकिन यहाँ से शो रिज़र्वेशन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना तो मेरा टिकट यहाँ पे दोबारा शो होगा। तो नीचे आकर आप लोगों ने सबसे पहले इसका प्राइस मालूम करना है, देखिए कि इसका हमने कितने प्राइस में इसको इशू किया है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोगों को फ्राइज़ शो होगा। ये देखिए हमने जो इशू किया है, इसकी रेट है फ्राइज़ है 48,000 और समथिंग्स है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा याद रखना है, अब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं दोबारा क्या करूँगा, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड पे क्लिक करके आल फ्लैट कैंसिल पे दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने आपको बताया कि 48,000 इसकी प्राइस थी। तो ये देखिए रिफंडेबल फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये थोड़ा आप लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा जस्ट। यहाँ पे पेनल्टी जहाँ पे लिखा है, मतलब ये है कि ये आपको जो माइनस दिखाई दे रहा है ये आपसे माइनस की जाएगी आपकी टिकट से, ठीक है। अब ये जो चार्जेस है ये टाइम के साथ तो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अभी जो हमारे सामने शो हो रहा है वो है 7675 रुपये, ठीक है, मतलब 7,500 रुपये तकरीबन इसके ऊपर चार्जेस आ रही है, ठीक है। तो अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो हमारी इतनी चार्जेस ज़ाया हो जाएगी और उसके बाद जो टोटल रिफंडेबल हमें मिलेंगी वो 40,750 रुपये या 749 रुपये इतनी मिलेंगे, ठीक है। तो 47,000 रुपये का जो टिकट था वो आप लोग देखिए, अगर हम इनको और इनके साथ प्लस करेंगे तो इससे वही प्राइस बनेंगी जो टिकट हमने इशू किया है, ठीक है। तो यहाँ नीचे भी लिखा है अमाउंट विल बी रिफंडेड, इतनी अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40,000 लिखा है, तो फॉर एग्जांपल आपने पैसेंजर के लिए फ़्लाइट किया है, ठीक है, और वो अभी नहीं जा रहा, तो आपने उनसे कुछ ना कुछ मुनाफा तो किया होगा ना, आपने कुछ ना कुछ मार्जिन उससे रख लिया होगा। तो यहाँ पे अगर उसको रिफंड में 40,000 समथिंग्स मिल रही है तो आप यहाँ से थोड़ा अपना भी मार्जिन रख सकते हैं। उसको ऑलरेडी 7,000 से ऊपर नुकसान हो रहा है, ठीक है। कोशिश करें कि अगर आप उसको अपनी जो मार्जिन है वो माफ़ कर सकते हो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर फिर भी आप लोग नहीं करना चाहते तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने उनसे 3,000 रुपये मार्जिन रखी है, 3,000 रुपये पेदे में हो, ठीक है, ठीक है, 3,000 रुपये फारिदमल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करें, उस अमाउंट को थोड़ा करें क्योंकि उसको ऑलरेडी नुकसान हो रहा है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने उसको अगर हाफ़ कर सकते हो, अगर हाफ़ से भी कम कर सकते हो तो इस तरह करें। तो मैंने आपको बताया कि फारिदमल मैं चाहता हूँ कि उससे 1,000 रुपये मुनाफा रखूँ क्योंकि उसको ऑलरेडी नुकसान हो रहा है। मैं अगर टिकट रिफंड कर रहा हूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है, उल्टा उसको नुकसान हो रहा है, मुझे ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा फ़ायदा हो क्योंकि मैंने उसके लिए इतना बुकिंग किया है और इतना अपना टाइम दिया है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 40,000 लिखा है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल चाहता हूँ उससे 1,000 रुपये मुनाफा रखूँ, तो उसको 7,000 रुपये एक नुकसान हुआ 7,500 और 1,000 रुपये आपने उससे मुनाफा रखा तो 8,500-9,000 रुपये उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। बाद लोग ऐसे होते हैं कि मतलब यहाँ 40,000 मतलब आपको रिटर्न हो रहा है लेकिन आप उसको कह रहे 37,000 हो रहा है, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब बात नहीं है। आप अगर ट्रेवल एजेंट भी होना तो आप एक मुनाफा रखें लेकिन ख़ास ख्याल रखें कि मतलब ज़्यादा ना रखें क्योंकि उसको ऑलरेडी नुकसान हो रहा है, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, किस तरह हमें रिफ़ंड करना है। तो हमने आई हेयर बाय एक्सेप्ट पाकिस्तान एयर रूल्स, आपने इस पर क्लिक कर देना है, इसको टिक मार लगाना है और उसके बाद कंप्लीट रिफ़ंड पे आप लोगों ने जस्ट एक क्लिक करना है, तो आपकी जो अमाउंट है वो आपकी आईडी में दोबारा रिफ़ंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हो सकता है, मैं रिफ़ंड नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए ये किया। अगर आप करना चाहते तो इस पर क्लिक करें, अगर नहीं करना चाहते तो शो रिज़र्वेशन पर क्लिक करें। और ये एक और चीज़ है तो इसके बारे में इंशाल्लाह अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैंने आपको ये दो चीज़ें बताई, ठीक है, उसके अलावा जो ऊपर चीज़ें हैं उसको छोड़े, ठीक है, उसके साथ आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो चीज़ें आप लोगों को समझानी थी वो मैंने समझा ली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद होगी, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते के लिए वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।